जय मसीह की भाइयों, आज मैं तुम्हें वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनना, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? हाँ दोस्तों, ये जरूर होगा, आखिरी विश्व युद्ध। तुम न्यूज़ वगैरह में सुन रहे हो कि विश्व युद्ध होने वाला, ये जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में 2600 साल पहले ही एजेकल चैप्टर 38-39 में इसके बारे में लिखा है। इसमें इस युद्ध में कौन इंपॉर्टेंट है? रशिया, गोग मगोग जो पुराना नाम है। तो रशिया क्या करेगा? अभी अरब के लोग और फिलिस्तीन के लोग चिढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल घोषित कर दिया। अब रशिया क्या करेगा? इन अरब के लोगों को सपोर्ट देगा और इसराइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे, यानी कि युद्ध स्टार्ट करेंगे। लेकिन अमेरिका जो है अभी इसराइल के सपोर्ट में है, तो रशिया और अमेरिका के बीच में भी युद्ध होगा। इसी तरह लड़ाई शुरू होगी दोस्तों, 3rd World War, जैसे बाइबल में लिखा है, मिडिल ईस्ट के पीछे होंगे, जो सारी आर्मियाँ रशिया अरब के सारे इकट्ठे होंगे और इसराइल के ऊपर चढ़ेंगे। और ये तो इसराइल को ऐसे खतरनाक तरीके से चढ़ेंगे कि जीत भी जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा? बाइबल में लिखा कि इसके बाद जैसे ही इसराइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे और जीत जाएंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह अपना पैर इसराइल पर रखेंगे। तब ऐसा भूकंप होगा इसराइल पर, क्योंकि यीशु मसीह इसराइल पर अपना पैर रखेंगे और जितनी भी सेना, आर्मी, रशिया के, अरब के लोग चढ़ कर आए थे, सबको परमेश्वर मिटा डालेंगे। क्योंकि खुदा कहता है, जो कोई इसराइल के विरुद्ध आएगा उनके विरुद्ध मैं लड़ूंगा, और वहाँ पर भूकंप में सारे सेना मर जाएंगी। इसके बाद इसके आसपास एक चीज़ होगा दोस्तों, रैप्चर। रैप्चर का मतलब है कि यीशु मसीह हमें ज़िंदा उठा लेंगे, यही रैप्चर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएंगे, नहीं दोस्तों, हमें ज़िंदा उठा लेंगे यीशु मसीह 7 साल के लिए। जो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसके मार्ग पर चलते थे, उन्हें यीशु मसीह उठा लेंगे 7 साल से बचाने के लिए। 7 साल में एक महाकलेश, विपत्ति का समय आएगा। इसी तरह हमें यीशु मसीह ज़िंदा आसमान पर उठा लेंगे, उसको स्वर्गदूत को भेज कर। तुम सोचोगे क्या कहानियाँ बना रहे हैं? कहानी नहीं दोस्तों, ये सच है। और इसका मतलब है रैप्चर। जो रैप्चर में रह जाएंगे, कौन रहेगा? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया लेकिन उसके मार्ग में नहीं चले थे। तो ग्रेट ट्रिबुलेशन यानी कि महाक्लेश, जो शैतान का राज्य होगा 7 साल में, जैसे रेवलेशन में लिखा है, वो आएगा। शैतान जो आएगा वो सबको तंग करेगा। जिन्होंने बायोचिप लगाया है वो शैतान के बंदे हो जाएंगे। बायोचिप जिन्होंने हाथ में लगाया वो शैतान के बंदे हो जाएंगे, वो तो नर्क जाएंगे ही। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया, जो रह गए हैं, जो यीशु मसीह पे उसके बाद विश्वास करेंगे, उनको तड़पाएगा। लेकिन इस 7 साल में बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी घटेंगी, जैसे बाइबल के आखिरी रेवलेशन में लिखा है कि तूफान आएगा, ऐसा ऐसा तूफान आएगा कि लोग सह नहीं पाएंगे। शांति जो है पूरी पृथ्वी में से उठ जाएगी। सारे कोई भी लोग जीना उनका हराम हो जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे इस 7 साल में। ये 7 साल जो बहुत ही भयंकर होगा कि लोग सोच भी नहीं सकते। पूरी शांति उड़ जाएगी पूरी पृथ्वी में से। जहाँ जहाँ जाओगे कहीं भाग नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा। और आकाश से आग के जो ओले हैं वो गिरेंगे, आग और ओले साथ में गिरेंगे। इतना खतरनाक एस्ट्रोराइड्स वगैरह गिरेंगे आकाश से। इस 7 साल में सब कुछ होगा दोस्तों, क्योंकि बाइबल में रेवलेशन में लिखा है। और ये बहुत ही खतरनाक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कोई शांति नहीं होगी, कहीं भाग नहीं सकते तुम। जहाँ जाओगे वहाँ मौत ही मौत है, और तुम मौत को बुलाओगे लेकिन मौत भी तुमसे दूर भागेगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसने अपनी जान दी। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और पाप के मार्ग में बढ़ते जा रहे हो। दोस्तों ये 7 साल जो है बहुत ही खतरनाक होगा। पूरी दुनिया जो है वो पूरे अंधकार में पड़ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ये आखिर के वक्त होगा। इस 7 साल के बाद क्या होगा? शैतान का वक्त खत्म हो जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह उतर आएंगे अपना राज्य चलाने, क्योंकि यहूदा का बादशाह, इस पृथ्वी का बादशाह आ रहा है। उसके साथ ही हम भी आएंगे जो रैप्चर में उठा लिए गए थे। उसके बाद यीशु मसीह जिन्होंने पाप से मन नहीं फिराया उनका विनाश कर देंगे आग से। इसके बाद क्या होगा? यीशु मसीह नया आकाश नई पृथ्वी बनाएंगे, जहां हम प्रभु के साथ जिएंगे 1000 साल का राज्य। ना कोई कष्ट होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोना धोना, ना ही कोई मृत्यु होगा, ना कोई मरेगा। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये सच है जो होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे जो कुछ ही सालों में होने वाला है। प्रभु के साथ हम 1000 साल राज्य करेंगे, जहाँ यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे। जय मसीह की।